हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू पीआईबी 24/7। मैं हूं मनीष मिश्रा और आज के सेशन में हम पढ़ेंगे इन्वेस्ट इंडिया बिजनेस इम्यूनिटी पोर्टल, नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम एंड मेनी अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम पीआईबी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बट बिफोर वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर वन ऑफ टूडे, आज क्योंकि फ्राइडे है तो आज हमें पांच क्वेश्चन क्विज की तरह करने होते हैं। तो पांच क्वेश्चंस क्विज के पहले हम पढ़ेंगे एंड देन एट द एंड ऑफ द सेशन आई विल टेल यू आंसर्स ऑफ दीस क्वेश्चंस, राइट? सो क्वेश्चन नंबर वन ऑफ द क्विज, यूनियन एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक हैज लॉन्च्ड अ डेडिकेटेड काउंसलिंग हेल्पलाइन भरोसा फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ विच स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी रिवील्स 35,000 ईयर हिस्ट्री ऑफ रिवर इरोजन इन लद्दाख हिमालयस, विच रिवर इज एक्सप्लोर्ड अंडर दिस स्टडी। क्वेश्चन नंबर थ्री, पार्लियामेंट पास्ड द मिनरल लॉज अमेंडमेंट बिल 2020 इन मार्च 2020, विच एक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग आर अमेंडेड थ्रू दिस बिल। क्वेश्चन नंबर फोर इज, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज डेवलप्ड नेशनल आयुर्वेदा मॉर्बिडिटी कोड्स फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस, द कोड्स आर अवेलेबल ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टल डेवलप्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। And last question for the quiz is, the UGC, the University Grants Commission, has developed life skills, or we can say Jeevan Kaushal curriculum, for the students at universities and colleges. Which students are being covered under this curriculum? Okay, so at the end of the session, I'll tell you answers of these five questions. Okay, now let's begin with question number one for today. Invest India, India's National Investment Promotion and Facilitation Agency, under the Ministry of Commerce and Industry, has launched the Invest India Business Immunity Platform. Which of the following is not a feature of this platform? So guys, let us talk about this program. So this platform is designed as a comprehensive resource to help businesses and investors to get real-time updates on India's active response to COVID-19. ये जो platform है, ये design किया गया है ताकि businesses और investors को एक रिसोर्स प्रोवाइड कराया जा सके, ताकि उन्हें इंडिया का जो एक्टिव रिस्पांस है टू कोविड-19 उसके रियल टाइम अपडेट्स मिल सके। एंड दिस इज एन एक्टिव प्लेटफॉर्म फॉर बिजनेस इश्यू रिड्रेसल। इट इज ऑपरेटिंग 24/7 विद अ टीम ऑफ डेडिकेटेड सेक्टर एक्सपर्ट्स एंड रिस्पॉन्डिंग टू क्वेरीज एट द अर्लीएस्ट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ बिजनेस इम्यूनिटी प्रोग्राम। नंबर वन, इट कीप्स अ रेगुलर ट्रैक ऑन डेवलपमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द कोरोना वायरस। ये क्या करता है, कोरोना वायरस के रिस्पेक्ट में जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उस पर एक रेगुलर ट्रैक रखता है। इट प्रोवाइड्स लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ऑन वेरियस सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड आंसर्स एंड रिजॉल्व्स द क्वेरीज थ्रू ईमेल्स एंड व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए क्वेरीज और आंसर्स एंड रिजॉल्व्स करता है क्वेरीज को। एंड इसके अलावा इट प्रोवाइड्स लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ऑन वेरियस सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। नेक्स्ट, इट इंक्लूड्स फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स लाइक लोकेशंस ऑफ कोविड-19 टेस्टिंग एंड अदर लोकेशन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। एंड अदर देन दिस, इट मैप्स एंड हाइलाइट्स द रिस्पांस मैकेनिज्म पुट इन प्लेस बाय लीडिंग इंडियन कंपनीज सच एज सैनिटेशन ऑफ स्टाफ व्हीकल्स, डिसेबलिंग बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, यूसेज ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, डेवलपिंग ऑनलाइन सेशन सॉल्यूशंस एंड अदर इनिशिएटिव्स। And last, this platform also provides the ability to join the dots to find matching suppliers with required suppliers and for innovators, startups and MSMEs to showcase their solutions. Alright, so business related information basically ye provide karata hai to all the businesses and to all the MSMEs, to all the startups and to all the innovators. Alright, so this was all about the business immunity program. Let's now move on to the question. We have to tell that which of the following is not the feature of this platform. So it regularly tracks the disease COVID-19. Yes, mechanism used to keep safe. Yes, this is also there. This is one of the feature. Latest information of government initiatives. Yes, whether central or state, dono government ki jo bhi latest information hai ye provide karayega. And other business related information to all the startup, MSME and innovators. Yes, to ye bhi ek uska feature hai. So therefore guys, the correct answer to this question will be option E, all A, B, C and D. Now let's move on to question number 2.
द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हेडेड बाय थावरचंद गहलोत ही इज राज्यसभा एमपी फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड ही इज ऑल्सो द लीडर ऑफ राज्यसभा. ठीक है, ये राज्यसभा के लीडर भी हैं और ये राज्यसभा एमपी हैं फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड ही इज द मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. दिस मिनिस्ट्री हैज फॉर्मुलेटेड अ नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन विच एम्स एट रिडक्शन ऑफ एडवर्स कंसिक्वेंसेज ऑफ सब्सटेंस और ड्रग अब्यूज थ्रू अ मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी. वॉट इज द टाइम स्पैन ऑफ दिस प्लान? सो गाइज, लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट दिस प्लान. सो दिस मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैज फॉर्मुलेटेड दिस प्लान फॉर 2018 to 2025. And this plan aims at reduction of adverse consequences of substance abuse through a multi-pronged strategy. जो adverse consequences होते हैं of the drug abuse, उसको कम करने के लिए ये plan लाया गया था by Ministry of Social Justice and Empowerment for the period of 2018 to 2025. And इसके अंदर कुछ activities की जाती हैं, like there are some awareness generation programs in school, colleges and universities, community-based peer-led intervention program for vulnerable adolescent and youth in the community. जो भी ऐसे adolescent या youth हैं जो कि vulnerable हैं, उनके लिए community-based peer-led intervention program चलाया गया है. And इसके अलावा there is a provisioning of treatment facilities and capacity building of service providers. जो भी service providers हैं उनकी capacity building की जाएगी और treatment facilities provide कराई जाएगी under this National Action Plan for Drug Demand Reduction. Now there is also there are some conducted awareness program which are conducted by Ministry of Social Justice, and Ministry has conducted 1403 awareness generation programs under which 132,041 persons have been benefited. Now guys, अब आपको ये लग रहा होगा कि ये जो news है, ये जो scheme है, ये जो plan है, ये news में क्यों था? तो वो इसलिए था क्योंकि recently जो Minister of Social Justice and Empowerment है, मतलब मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के, जिनका नाम है रतन लाल कटारिया ने भी रिसेंटली एक रिप्लाई दिया था अबाउट द डेटा ऑफ दिस प्लान. ओके, एंड कुछ उन्होंने बहुत सारा डेटा रिलीज किया था एंड इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट डेटा हम यहाँ पे डिस्कस भी कर लेंगे. ओके, सो दैट इज वाई दिस प्लान वॉज इन न्यूज. ओके, एंड दिस प्लान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस इज द टेक्निकल रिसोर्स एजेंसी for implementing the activities of this plan across the country. ये जो national action plan है, इसकी implementing का जो काम है वो किसका है? National Institute of Social Defence का. And during 2019-20, an amount of 106 crore has been released under this scheme. 106 करोड़ रुपए 2019-20 में इस scheme के अंदर release किया जा चुका है. And amount of 3.58 crore has been released to AIIMS फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग मैकेनिज्म एंड 0.70 करोड़ दिया गया है मध्य प्रदेश के स्कूल चिल्ड्रन के लिए एक अवेयरनेस प्रोजेक्ट चलाने के लिए जिसका नाम है कवच. एक एंटी ड्रग अवेयरनेस प्रोजेक्ट चलाना है इन द मध्य प्रदेश फॉर स्कूल चिल्ड्रन जिसका नाम है कवच, जिसके लिए 0.70 करोड़ रुपए दिया गया है. एंड द मिनिस्ट्री हैज ऑल्सो इनिशिएटेड एस्टैब्लिशिंग ऑफ आउटरीच एंड ड्रॉप इन सेंटर्स टू कंडक्ट आउटरीच एक्टिविटीज इन द कम्युनिटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ ड्रग अब्यूज. ऑलराइट, एंड दिस इज विद अ स्पेशल फोकस ऑन यूथ हु आर डिपेंडेंट ऑन ड्रग्स. तो एक आउटरीच एंड ड्रॉप इन सेंटर्स बनाए जाएंगे ताकि आउटरीच एक्टिविटीज कम्युनिटी में कराई जा सके फॉर प्रिवेंशन ऑफ ड्रग अब्यूज, और इसमें स्पेशल फोकस दिया जाएगा उन यूथ पे जो कि ड्रग्स के ऊपर डिपेंडेंट है या फिर ड्रग्स के साथ एडिक्शन उनका हो चुका है. ऑलराइट, सो गाइस, दिस वॉज ऑल अबाउट द नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन और जो भी उसमें रिसेंट डेटा रिलीज हुआ था बाय द मिनिस्ट्री. एंड इसके अलावा द मिनिस्ट्री इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग सेंट्रल असिस्टेंस फॉर रनिंग एंड मेंटेनेंस फॉर इंटीग्रेटेड रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर एडिक्ट्स. ओके, इंटीग्रेटेड रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर एडिक्ट्स के लिए भी जो हमारी ये मिनिस्ट्री है ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये असिस्टेंस प्रोवाइड करा रही है. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन वॉज वॉट इज द टाइम स्पैन ऑफ द प्लान? So guys, the time span of this plan is from 2018 to 2025. Now let's move on to question number 3. The Ministry of Health and Family Welfare provides financial assistance for treatment of poor patients suffering from identified life-threatening or rare diseases and taking treatment in government hospitals. The government is implementing some schemes or initiatives for the same. Which is not correct about the steps taken by the government. हमें incorrect, इनमें से incorrect statement बतानी है about the steps taken by the government.
सो पहले आइए डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराता है उन पुअर पेशेंट्स को जो कि सफर कर रहे हैं फ्रॉम लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस और जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहे हैं अंडर द टू स्कीम्स। दो स्कीम्स के अंदर ये असिस्टेंस प्रोवाइड कराई जाती है। और ये दो स्कीम्स कौन सी है? नंबर वन इज राष्ट्रीय आरोग्य निधि एंड नेक्स्ट इज हेल्थ मिनिस्टर्स डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स। राष्ट्रीय आरोग्य निधि एंड नंबर टू इज हेल्थ मिनिस्टर्स डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स। ऑलराइट, एंड व्हाट इज दिस हेल्थ मिनिस्टर्स डिस्क्रिशनरी ग्रांट? अंडर दिस अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 1,25,000 इज प्रोवाइडेड टू द पेशेंट हुज एनुअल इनकम इज लेस देन 1,25,000 टू डिफ्रे अ पार्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन हॉस्पिटलाइजेशन और ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। ओके, अगर वो कोई भी व्यक्ति अपना इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करा रहा है और उसकी एनुअल इनकम 1,25,000 रुपए से कम है तो हेल्थ मिनिस्टर्स डिस्क्रिशनरी ग्रांट के तहत उस पेशेंट को 1,25,000 रुपए प्रोवाइड कराए जाएंगे। और ये जो फाइनेंशियल असिस्टेंस होता है ये उस स्टेट या यूटी को नहीं दिया जाएगा जहां का वो पेशेंट है, जबकि डायरेक्टली उस हॉस्पिटल को ट्रांसफर कर दिया जाएगा जहां पे भी वो पेशेंट अपना ट्रीटमेंट रिसीव कर रहा है। ओके, एंड इसके अलावा गाइस है राष्ट्रीय आरोग्य निधि। सो इसके अंदर क्या होता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराई जाती है उन पेशेंट्स को जो कि स्टेट और यूटी वाइज जो भी थ्रेशोल्ड पॉवर्टी लाइन है, स्टेट और यूटी वाइज जो भी थ्रेशोल्ड पॉवर्टी लाइन है उसके नीचे जो भी फैमिली रह रही है और उनमें से अगर कोई मेजर लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस, कैंसर या फिर रेयर डिजीजेस से पीड़ित है तो उसको इस स्कीम के अंतर्गत वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराई जाती है ऑफ ₹15,00,000। ओके, इसमें वन टाइम ग्रांट होता है, बार बार नहीं दिया जाता, किस्तों में नहीं दिया जाता, वन टाइम ग्रांट होता है ऑफ ₹15,00,000 टू दोज फैमिलीज हु आर लिविंग बिलो स्टेट और यूटी वाइज थ्रेशोल्ड पॉवर्टी लाइन्स एंड हु आर सफरिंग फ्रॉम मेजर लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस और कैंसर और रेयर डिजीजेस और जिनका इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में चल रहा है। ओके, एंड ये जो स्कीम है राष्ट्रीय आरोग्य निधि, इसके तीन कॉम्पोनेंट्स है अलग अलग। एक तो खुद राष्ट्रीय आरोग्य निधि है जिसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराई जाती है टू ऑल द लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस अदर देन कैंसर। गाइज, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम कि राष्ट्रीय आरोग्य निधि में कौन से लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज का इलाज नहीं किया जाता या कौन से डिजीज के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कराई जाती। सो द आंसर विल बी व्हाट? कैंसर। एंड नेक्स्ट इज हेल्थ मिनिस्टर्स कैंसर पेशेंट फंड्स। इसके अंदर कैंसर के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करा जाता है। एंड लास्ट इज स्कीम फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर पेशेंट सफरिंग फ्रॉम स्पेसिफाइड रेयर डिजीजेस। सो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस के लिए राष्ट्रीय आरोग्य निधि, कैंसर के लिए हेल्थ मिनिस्टर्स कैंसर पेशेंट फंड एंड रेयर डिजीजेस के लिए स्कीम फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम स्पेसिफाइड रेयर डिजीजेस। एंड गाइज, ये जो राष्ट्रीय आरोग्य निधि या ये जो दोनों चीजें हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज रिसेंटली PIB ने अपने एक डॉक में इनके बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई थी। सो यू नेवर नो कि कोई भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ ले। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन क्या था? ऑप्शन ए, वी हैव टू आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। सो ऑप्शन ए इज फाइनेंशियल असिस्टेंस अप टू ₹15,00,000 इज प्रोवाइडेड एज वन टाइम ग्रांट अंडर राष्ट्रीय आरोग्य निधि। यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 1,25,000 इज प्रोवाइडेड टू पेशेंट्स अंडर हेल्थ मिनिस्टर डिस्क्रिशनरी ग्रांट। यस, दिस इज अगेन एब्सोल्युटली करेक्ट। पर्संस अर्निंग अप टू 1,25,000 एनुअली इज एलिजिबल टू अवेल द बेनिफिट अंडर हेल्थ मिनिस्टर्स डिस्क्रिशनरी ग्रांट। यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर द स्कीम्स इज रिलीज्ड टू स्टेट्स और यूटीज। नो गाइस, इट इज नॉट रिलीज्ड टू स्टेट और यूटीज, ये डायरेक्टली उस हॉस्पिटल में प्रोवाइड कराया जाता है ये फंड जहां पे भी उस पेशेंट का इलाज चल रहा है। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन गाइज विल बी ऑप्शन डी। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम अ सब स्कीम ऑफ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना is being implemented by the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare to replace which crop or crops? Okay, and ये जो department है ये Ministry of Agriculture के अंदर काम करता है, alright? And write down in comments the name of Minister of Agriculture and his Lok Sabha constituency or his Rajya Sabha constituency. अगर वो Lok Sabha के हैं तो Lok Sabha की constituency बताइए, अगर Rajya Sabha के हैं तो Rajya Sabha की बताइए। Write down in comments guys please. Now let us talk about crop diversification. So crop diversification provides the farmer with a wider choice in the production of a variety of crops in a given area. So crop diversification जो है वो farmer को एक बहुत एक choice provide कराता है in the production of a variety of crops a given area में. So as to expand production, ताकि उसका production बढ़ सके,
ऑफ वेरियस क्रॉप एंड ऑल्सो टू ब्रिंग डाउन द पॉसिबल रिस्क, ताकि उसका रिस्क जो है वो भी कम हो सके. ऑलराइट. एंड डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर इज ऑलरेडी इम्प्लीमेंटिंग अ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम फॉर रिप्लेसिंग पैडी क्रॉप विद लेस वाटर कंज्यूमिंग ऑल्टरनेटिव क्रॉप्स टू सेव वाटर एंड प्रोटेक्ट सॉइल इन द स्टेट ऑफ पंजाब. सो ये जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर है, ये एक क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम ऑलरेडी चला रहा है ताकि जो पैडी क्रॉप्स है उसको रिप्लेस कर दिया जाए विद लेस वाटर कंज्यूमिंग ऑल्टरनेटिव क्रॉप्स, एक ऐसी क्रॉप के साथ जो कि लेस वाटर कंज्यूमिंग होगा ताकि पानी को बचाया जा सके और हमारी जो सॉइल है उसको भी प्रोटेक्ट किया जा सके. और ये उन्होंने लॉन्च किया है इन द स्टेट ऑफ पंजाब. एंड सेंट्रल शेयर अंडर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम फॉर रिप्लेसिंग पैडी एंड टोबैको क्रॉप्स. सो दो क्रॉप्स को रिप्लेस किया जा रहा है अंडर दिस प्रोग्राम ड्यूरिंग 2019-20 इज रुपीज 2000 लाख. ऑलराइट, 2000 लाख रुपीज सेंटर ने अपना शेयर दिया है अंडर दिस प्रोग्राम फॉर रिप्लेसिंग पैडी एंड टोबैको क्रॉप्स. एंड अंडर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम इट इज बेसिकली अ सब स्कीम ऑफ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एंड इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन ओरिजिनल ग्रीन रेवोल्यूशन स्टेट्स टू डाइवर्ट द एरिया ऑफ पैडी क्रॉप टू ऑल्टरनेट क्रॉप्स एंड इन टोबैको ग्रोइंग स्टेट्स टू एनकरेज टोबैको फार्मर्स टू शिफ्ट टू ऑल्टरनेट क्रॉप्स और क्रॉपिंग सिस्टम. बेसिकली टोबैको और क्रॉप टोबैको और पैडी को ऑल्टरनेट क्रॉप से रिप्लेस करने के लिए ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन चलाया जा रहा है इन दो स्टेट्स जो कि ओरिजिनल ग्रीन रेवोल्यूशन स्टेट्स कहे जाते हैं. ऑलराइट, नाउ व्हाट वाज द क्वेश्चन? सो टू रिप्लेस विच क्रॉप और क्रॉप? सो गाइस दिस प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड टू रिप्लेस पैडी एंड टोबैको. सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी ए एंड बी. ऑप्शन डी ए एंड बी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू गाइस लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. As per the recent report of NFHS 4 conducted by Ministry of Health and Family Welfare in 2015-16, 22.9% women of the age group of 15 to 49, which states are having the highest percentage of malnutrition among women respectively from highest to lowest? So guys, let me tell you the correct answer to this question first. The correct answer to this question is option A, Jharkhand, Bihar, Dadar and Nagar Haveli. झारखंड, बिहार, दादरा एंड नागर हवेली इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट दिस सर्वे. सो दिस सर्वे इट इज अ लार्ज स्केल मल्टी राउंड सर्वे कंडक्टेड इन अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ हाउसहोल्ड्स थ्रू आउट इंडिया. एंड सबसे पहला जो सर्वे था ये हुआ था इन द ईयर 1992-1993. एंड इसको कंडक्ट कौन करा था? इट इज कंडक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज. इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज के साथ मिलकर जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो इसको कंडक्ट कराता है. एंड जो सबसे पहला सर्वे था दैट वाज इन द ईयर 1992-93 व्हिच मींस फाइनेंशियल ईयर 1993. और जो 2015-16 का एनएफएचएस था इट इज द फोर्थ सर्वे ऑफ कोर्स. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इट प्रोवाइड्स डिस्ट्रिक्ट लेवल एस्टीमेट्स फॉर मेनी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स. सबसे पहली बार इसमें ऐसा हुआ था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के एस्टिमेट्स प्रोवाइड कराए गए थे फॉर मेनी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स. एंड गाइस व्हाट इज माल न्यूट्रिशन? सो माल न्यूट्रिशन एक ऐसा टर्म है, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी कोई भी न्यूट्रिएंट्स या हम ये कहें इनफ न्यूट्रिएंट्स रिसीव नहीं करता ताकि उसकी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन कर सके. ऑलराइट, माल न्यूट्रिशन रिमेन्स अ सिग्निफिकेंट ग्लोबल प्रॉब्लम स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज. डेवलपिंग कंट्रीज में इसकी बहुत ज्यादा समस्या है. एंड माल न्यूट्रिशन का मतलब बेसिकली यही है कि बॉडी के अंदर इनफ न्यूट्रिएंट्स नहीं जा रहे. एंड नाउ एज पर द रिसेंट रिपोर्ट 22.9% वुमेन ऑफ द एज ग्रुप ऑफ 15 to 49 आर अंडर वेट. ओके, और जो सबसे कम परसेंटेज वाले मतलब ऐसे स्टेट जहां पे सबसे ज्यादा माल न्यूट्रिश्ड वुमेन है उसमें से नंबर वन पे है झारखंड 31.5%, नंबर टू बिहार 30.4%, दादरा एंड नागर हवेली 28.7%, मध्य प्रदेश 28.4%, गुजरात 27.2% एंड फाइनली राजस्थान 27%. सो झारखंड जो है वहां पे सबसे ज्यादा परसेंटेज है ऑफ द माल न्यूट्रिश्ड वुमेन. ऑलराइट, सो व्हाट वाज द क्वेश्चन? सो वी हैव टू टेल अबाउट द हाईएस्ट परसेंटेज. सो यस, द करेक्ट आंसर इज झारखंड, बिहार एंड दादरा एंड नागर हवेली. ऑलराइट, सो गाइस this was the last question for today's session. Now let's move on to the questions for quiz. Let me tell you the answers. Okay, so question number one was which under Union HRD Minister Ramesh Pokhriyal Nishank has launched a dedicated counseling helpline Bharosa. Okay, so this helpline Bharosa has been launched for the students of Central University of Odisha.
ऑप्शन डी ओडिशा इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी रिवील्स 35,000 ईयर हिस्ट्री ऑफ रिवर इरोजन इन लद्दाख हिमालयस, विच रिवर इज एक्सप्लोर्ड. सो गाइज ऑप्शन सी जांस्कर रिवर वॉज एक्सप्लोर्ड अंडर दिस स्टडी. जांस्कर रिवर जो है वो ट्रिब्यूट है ऑफ द इंडस रिवर. ऑलराइट, ये इंडस रिवर की एक बहुत बड़ी ट्रिब्यूट है जांस्कर, और इसी रिवर को एक्सप्लोर किया गया था अंडर दिस स्टडी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्लियामेंट पास्ड द मिनरल लॉज अमेंडमेंट बिल 2020 इन द मंथ ऑफ मार्च, विच एक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग आर अमेंडेड थ्रू दिस बिल. सो ये माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1957 ये भी हुआ था अमेंड, और इसके अलावा CMSP एक्ट यानी कि द कोल माइंस स्पेशल प्रोविजंस एक्ट भी अमेंड किया गया था. सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने डेवलप किया है नेशनल आयुर्वेदा मॉर्बिडिटी कोर्स, तो हमें बताना है कि ये कौन से पोर्टल पे अवेलेबल है. सो गाइज दिस इज अवेलेबल ऑन द नमस्ते पोर्टल, एंड नमस्ते का भी एक फुल फॉर्म था दैट इज नेशनल आयुष मॉर्बिडिटी एंड स्टैंडर्डाइज टर्मिनोलॉजीज इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल. नेशनल आयुष मॉर्बिडिटी एंड स्टैंडर्डाइज टर्मिनोलॉजीज इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ नमस्ते. नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर क्विज वॉज द UGC हैज डेवलप्ड लाइफ स्किल्स और जीवन कौशल करिकुलम फॉर स्टूडेंट्स एट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, विच स्टूडेंट्स आर बींग कवर्ड अंडर दिस करिकुलम. सो गाइज अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को इस करिकुलम में कवर किया गया है, और इस करिकुलम में बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल सिखाए जाएंगे, प्रोफेशनल स्किल सिखाए जाएंगे, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्किल भी सिखाए जाएंगे. ऑलराइट, सो दिस इज अबाउट द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ टुडेस क्विज, आंसर इज अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट. सो गाइज अपना जो आप मार्क्स हैं वो शेयर करें इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा. फॉर मोर अपडेट्स डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस, एंड कीप वॉचिंग PIB 24/7 मंडे टू फ्राइडे @8 AM ओनली ऑन anujindal.in.